आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बुधवार को जिलाधिकारी सभागार में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड के बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी पोस्टर के बारे में भी बच्चों को बताया गया। आपको बता दें, स्काउट गाइड के बच्चे बृहस्पतिवार से शहर के विभिन्न कॉलोनियों और दुकानों पर जाकर यह पोस्टर चस्पा कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूक करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने स्काउट गाइड के बच्चों को बताया कि आपको किस तरह कॉलोनियों और दुकानों पर जाकर लोगों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आम जनता को लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी जागरूक करते हुए उनको अपने घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखने की भी जानकारी देनी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमेशा ये छूटे रहते हैं, वो तो हम लोग करते ही ना करें। दूसरा ये कि जो हम लोग मास्क अक्सर करके आप ऐसे लगाते हैं, नाक के नीचे लगाते हैं के रास्ते, नाक के रास्ते अगर वो फेफड़े में जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। इसलिए नाक हमेशा जो है, एक आप देखेंगे दूसरी तरफ डुड्डी, जैसे ये होता है ना हम लोग का डुड्डी, कई बार ये रहता है डुड्डी भी हम लोग की खुली हुई रहती है। यहाँ पे जब हम मास्क को ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल बैठा जब हमारे मुंह तक जाने लगता है, तो हम ऐसे यहाँ मास्क को खींच देते हैं और एक गले पे लाके लगा देते हैं, जबकि इस गले पे आपके सारे पसीने और सारी चीजें यहाँ पे आती हैं और फिर आप इसको अपने ऊपर नीचे करते रहते हैं तो यह अगेन आपके लिए एक हानिकारक सिद्ध होगा। तो आपका जब यह मास्क जगा रहेगा तो ये आपको हमेशा से सुरक्षित रखेगा। तो हम लोग जब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर भी जब भी कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई दे, कोई गमछा भी लगाया हो तो भैया पूरा गमछा बांध दीजिए, ये रहेगा कि आप पूरे संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक है, ये जो बातें इसमें पूरी लिखी हुई है, सेकंड पार्ट मेरा निवेदन है आपको, आरोग्य सेतु ऐप हम भी इनके पास भी यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल है या फोन है, वो अपने आप उसको आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, पहले खुद डाउनलोड कर लें फिर लोगों को भी प्रेरित करें कि आप भी अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लें, क्योंकि वह आपको हमेशा इस चीज से अलर्ट करता रहेगा कि सामने जहां आप जिस एरिया में जा रहे हैं आपके पास एक मैसेज और एक अलर्ट आता है। हम लोगों ने खुद उसको ऑब्जर्व किया है कि ये भीड़ भाड़ वाली इलाका है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह आपको वहाँ से अलर्ट करता है। तो इसलिए ये भी हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम लोग पब्लिक को इस चीज के लिए भी अवेयर करें। सेकेंड पार्ट ये है कि पूरा अगर आप ये देखेंगे तो इम्यूनिटी पावर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया था और अभी उन्होंने ऐप भी उसके लिए लॉन्च कराया कि हमारे जो दैनिक भोजन है, हमारी जो दैनिक क्रिया है, उसमें हम किन चीजों का प्रयोग करें जिससे कि हमारा इम्यूनिटी पावर यानी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत हो सके। इसलिए ये बीमारी जैसे लोगों ने अध्ययन किया था, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ज्यादा जल्दी अटैक कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो उनका इम्यूनिटी पावर वीक है, या कोई व्यक्ति जिसको कोई बीमारी है, किसी प्रकार की बीमारी है, उनको जाकर के ये ज्यादातर अटैक करता है। तो इसलिए ये आपको अपना भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इसमें कुछ चीजें दी गई है, अगर इसमें से हम कुछ का भी अनुपालन करते हैं अपने दैनिक क्रिया में तो भी हमारा एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होगा। तो इसे आप ताकि अधिक से अधिक लोगों में इसको दीजिए और लोगों से अनुरोध कीजिए कि सर आप भी फॉलो कीजिए और अपने परिवार को भी फॉलो कराइए। हम बस इतना जानते हैं अगर एक परिवार से शुरू हो गई कहानी तो वो धीरे 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 पूरा स्प्रेड होता चला जाए कि एक नई पहल आप शुरू कर रहे हैं और इसे अच्छा सा पालन करना है। हर एक दुकानदार को, हर एक शॉपकीपर को यह निर्देश अच्छा सा पालन करना है और यह सारे पैम्फलेट पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से, आप लोग के सहयोग से हर दुकान पे यह प्लेस करना अनिवार्य है। हर दुकानदार को यह पैम्फलेट लगाना अनिवार्य है। जिला प्रशासन इसको उन लोगों को मुहैया करा रहा है, आप लोग के भी माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन को यह मुहैया मतलब जो जिला प्रशासन द्वारा जो है आपको दिया जाएगा, आप लोग के माध्यम से भी यह हर दुकानों पर प्लेस होगा। इसमें केवल कुछ चीजें दी गई हैं, दुकान पर कार्यरत सभी कर्मचारी सहित दुकानदार मास्क लगाएंगे,
बिना मास्क लगाए हुए व्यक्ति को सामान नहीं देंगे। अगर वो बिना मास्क लगाए व्यक्ति को भी सामान दे रहे हैं तो वो दंडनीय अपराध है। दुकानदार और ग्राहक के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो, इसको भी इसमें पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप लोग अक्सर करके देख रहे होंगे, गोल आकार वहाँ पे डेवलप किया जाता है ताकि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। दुकान के बाहर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य है, ये वहाँ पे रहेगा। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप और ये दोनों ऐप हर किसी को डाउनलोड करना अनिवार्य है। और जो भी उनके दुकान में सामान लेने आ रहा है उसको भी वो प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी साहब इसको डाउनलोड करिए। यूज है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज, वो अपने दुकान की फर्श को साफ करने के लिए और बाहर के भी पोर्शन को साफ करने के लिए वो दुकानदार को इस्तेमाल करना होगा। एक नीली पट्टी में एक लाइन जो जिलाधिकारी महोदय का एक बड़ा ही कड़ा निर्देश है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर विधिक कार्रवाई के साथ दंडित भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यह सभी दुकानों पे हम लोग इसको प्लेस करवाने जा रहे हैं आज से, और आज से ये सारे दुकानों पे प्लेस हो रहा है। आप लोगों से भी अनुरोध है, आप लोग भी इसको प्लेस कराने में मदद कीजिए, ठीक है। अब जब भी कोई समीक्षा करेगा उस दुकान की, और अगर दुकानदार इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं पाया जाता है तो जैसा कि डीएम सर का निर्देश है उसके विरुद्ध विधिक और दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। मेले देखिए छोटा ब्रीफ मीटिंग ही होगा, आपका सहयोग इसलिए चाहिए हमें, और उस समय में सावधानी ज़्यादा बरतना होगा ताकि पहले से केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो जा रही है एंड बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, गोरखपुर में भी आ रहे हैं, हर जगह आएंगे आते रहेंगे ताकि माइग्रेटरी लेबर उनका परेशानी है, उन लोगों को लेना भी पड़ेगा। धीरे धीरे दुकान भी खोलेंगे, हमें आपका सहयोग वहाँ चाहिए, कहा जो हम लोग का मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को लगे हुए हैं उसी पर, खासतौर पर लॉकडाउन पालन करने में उस पर हमें एक अवेयरनेस क्रिएशन में जानकारी जागरूकता कराने में आपको सहयोग चाहिए, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में, ताकि मास्क पहनने तक कभी तो हम सिखा दिए लोग का जो मैंने अंदर बंद होने के बाद थोड़ा सीख लिए लोग, पर बाकी दो चीज़ है अभी कठिन है वो सिखा नहीं पा रहे हैं लोग, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग है, दूसरा जो प्रीमिसेस का साफ सुथरी रखना है ताकि ये वायरस है कोरोना वायरस इसका बाहर का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं 20 दिन 25 दिन जिंदा रहता है बाहर ही, वो आम जनता का वो समझा नहीं पा रहा है इसको, ताकि कोई चीज़ वो देख नहीं पा रहा, कोई चीज़ वो महसूस नहीं कर पा रहा, उनका वो नहीं आ रहा उस पर, मतलब समझ में नहीं आ रहा, और हमें आपका सहयोग वहाँ चाहिए, कहाँ खासतौर पर हमारा मजिस्ट्रेट यहाँ तो 250-300 मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और साथ साथ प्रशासन, आपको वॉलंटियर कुछ हमें मिल जाएंगे, खासतौर पर जो दुकान है गली है कहाँ है वहाँ उन लोगों को बार बार दोहराना है बताना है, ये पोस्टर आप लोग देखे होंगे, ये हर दुकान में हम लगा रहे हैं, लगा करके प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, बट इसको खासतौर पर जवाब दे सके तो दुकानदार भी कहाँ कहाँ बहुत जगह पर अकेले एक दुकानदार होते हैं, नहीं तो उनके साथ एक सहयोगी होते हैं, ज़्यादा 2-3 लोग संभालते हैं, उनके पास वक्त भी नहीं है कोई साधन भी नहीं है, वो बाहर आकर के हमेशा लाइन लगवा दें और बार बार बता दें दोहराएँ, तो इन लोगों का जनता को दिमाग में आदत में डालना होगा ये सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसी पर खासतौर पर आपको सहयोग चाहिए। हम तो NCC और बाकी ग्रुप को भी आपके साथ जुड़वा देंगे धीरे धीरे, ये शुरुआत पहले छोटी पहले उसको हमें तो मतलब एक तरफ बोलचाल में थोड़ा सावधानी भी रखना है, ऐसे नहीं उनका मन में लग जाए, और ऐसे नहीं है तो कमजोरी से बोलें, ऐसे भी नहीं है, थोड़ा स्टर्न बोलना पड़ेगा, असर्टिव बोलना पड़ेगा ताकि उनको दिमाग में घुस जाए, हाँ भाई ये ज़रूरी है, ये खतरनाक चीज़ है करना, इसीलिए आज को मेनली आपको बुला रखा है। EDM साहब शायद मेरे सक्सेस भी होंगे इसके बारे में, और यहाँ टोटल कितने 100 का वॉलेंटियर होंगे गोरखपुर में कोई अंदाजे हैं? ठीक है, इंटर कॉलेज के बच्चे का संख्या कितने होगा? ठीक है, इतने में चल जाएगा फिलहाल। खासतौर पर हमें जो कहाँ जो बिजी बिजनेस सेंटर है ना वहीं पर ज़्यादा फोकस करनी है, गली में और छोटी जगह पे पहुँच के बताने के लिए हमारे पास वॉलंटियर फिलहाल सिविल डिफेंस का हमको लगा रखा है, जरूरत नहीं था हम लोग को लॉकडाउन करना, तो बहुत आसान है अब तो खोलना भी है, साथ साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया भी मेंटेन करें, इस पर ज़्यादा हैंड्स की जरूरत पड़ रहा है, मास्क तो सब पहने हुए अच्छी बात है, सैनिटाइजर भी जेब में रख लीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे बाकी चीज़ जो भी चाहिए आपको, जो हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। इतिहास कितने 40 से 50 रुपये लोग मिले
जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, अनुमति पर शहर में, अब नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में तमाम प्रकार की दुकानें खुल गई हैं। वहां पर कल ये पाया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कहीं कहीं कुछ कुछ कठिनाइयां आ रही थी, तो सर ने निर्देशित किया कि हम कुछ प्राइवेट जो लोग होते हैं, जैसे भारतीय स्काउट एंड गाइड है, NCC है, उनको लगाया जाए। तो आज भारतीय स्काउट एंड गाइड के लोगों को बुलाया गया था। इनका दायित्व तो ये होगा कि ये प्रत्येक दुकान 10-10 मीटर 15-15 मीटर की दुकानों पर खड़े हो जाएंगे और लोगों को गाइड करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कि अगर कोई दुकान पर आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।